नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आजकल इंटरनेट पर चर्चा चल रही है कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, एक्स्ट्रा बचत हो गई है, तो वो पैसे आप मार्केट में लगाएं, शेयर में, स्टॉक्स में, या फिर अपने ऊपर खर्च करें। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप डायरेक्ट पैसा, अपना बचा हुआ पैसा पहली बार में ही स्टॉक्स में लगा देते हैं, ज़्यादातर चांसेज हैं कि वो पैसा डूब जाएगा और वो थोड़ा सा पैसा जो आपने स्टॉक्स में लगाया है वो ग्रो नहीं करेगा उतना ज़्यादा जितना कि आप उम्मीद कर रहे हैं। बट अगर शुरुआत में बचे हुए पैसे को आप स्टॉक्स की बजाय अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, तो अपने ऊपर जब आप खर्च कर लेंगे, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग इन सेल्फ, आपकी लर्निंग में, सीखने में, नए कोर्सेज में, नई नॉलेज लेने में, यानी आप इस चीज़ की भी नॉलेज ले सकते हैं कि शेयर्स में पैसे को कैसे ग्रो किया जाए। यानी अगर ये कोर्स सीखना है तो आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो पैसे को अपने ऊपर खर्च करेंगे तो इससे आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आपके पास कल को ज़्यादा पैसा होगा शेयर्स में लगाने के लिए। तो शेयर्स में तो पैसा लगाना है, ये तो पक्की बात है, बट शेयर्स में पैसा लगाने से पहले अपने ऊपर पैसा लगाना है, अपने ऊपर खर्च करना है, यानी अपने आप को बेहतर बनाना है। आप जब एक बार बेहतर हो जाएंगे तो आप पैसा 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 बनाने की मशीन बन जाएंगे। आपके पास होगा ज़्यादा पैसा, आप शेयर्स में लगाएंगे ज़्यादा पैसा, आप कमाएंगे ज़्यादा पैसा, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।